वेलकम गाइज, आर यू एच एस एम के चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जो स्टूडेंट 2021-22 में बी एस नर्सिंग कोर्स या फिर पैरामेडिकल कोर्स या फिर फार्मेसी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है, राजस्थान में, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है अगर इन कोर्सेज में आपको प्रवेश लेना है तो, ठीक है। सो ऐसे में आपका सी बी एस ई हो या फिर आर बी एस ई, 10वीं 12वीं के तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। सो ऐसे में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो पहले तो हम आपको बता दें गाइज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आरबीएससी 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं ना, ठीक है, तो ऐसे में आपका रिजल्ट अब कैसे आएगा। सो आपका रिजल्ट को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो आएगा आपका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर देख लो, सीबीएसई और आरबीएससी दोनों के कैंसिल हो गए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ रद्द हो गई है, ठीक है। और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी बता दिया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है गाइज, 10वीं और 12वीं के जो इतने स्टूडेंट थे, ठीक है, पंजीकृत थे, क्योंकि कोविड का माहौल है तो यहाँ पर यही सही रहेगा कि इनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाए। बट गाइज, अगर आपको नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी कोर्स में प्रवेश चाहिए, ठीक है, एडमिशन चाहिए, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा गाइज, ठीक है। उनके लिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, क्योंकि उसके फॉर्म काफ़ी सारी जगह आ चुके हैं और बहुत जल्द राजस्थान में भी आने वाले। सो अभी दूसरा जो चैनल है MKS इंस्टीट्यूट, उस पर अभी जस्ट हमने वीडियो डाल दिया है कॉलेज को लेकर, देख लीजिए। दूसरा चैनल पर अभी नहीं देखा है तो देख लीजिए, दूसरे चैनल पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उस वीडियो का, ठीक है। MKS इंस्टीट्यूट चैनल, लिंक के थ्रू आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ही आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी और आप राजस्थान में नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में प्रवेश लेना चाहते हो तो, ठीक है, कोई भी अपडेट उसी चैनल पर आपको मिलेगी। ये हमने आपको अलर्ट कर दिया है। और एग्ज़ाम तो आपके कैंसिल हो गए 12वीं के, और रिजल्ट आपका आ जाएगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। बट आपको अगर आगे की सोचो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स में जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, तो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉलेजेस आप देख लीजिए।